अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स एकेडमी। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एक ऐड चलाया था गूगल ऐड का अपने आर्टिकल के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीटीआर और उसकी कॉस्ट, क्लिक्स, इंप्रेशंस वगैरह। तो जो टोटल क्लिक्स हमें मिली हैं वो है 16, इंप्रेशन मिले हैं हमें 120 और एवरेज CPC है 69 और कॉस्ट 1.1 के, मतलब 1100। तो जिन कीवर्ड्स पे हमें क्लिक मिली है हम उन्हें ओपन करते हैं। तो ये जो हमारा मेन कीवर्ड था इसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा क्लिक्स मिली हैं और इसका CTR भी काफ़ी अच्छा था। तो क्वालिटी स्कोर भी काफ़ी हद तक नॉर्मल ही है, मतलब 7, इतना बुरा भी नहीं और इतना अच्छा भी नहीं कह सकते। तो CPC इस फोर्थ नंबर वाले कीवर्ड की सबसे ज़्यादा थी, i7-9700K के बेस्ट मदरबोर्ड, क्योंकि ये डायरेक्ट कमर्शियल कीवर्ड था। ऑर्गेनिक रैंकिंग जो है वो 39 से 33 पे गई थी इम्प्रूव होके, लेकिन वो दोबारा एक दफ़ा गूगल सैंडबॉक्स में चली गई है और उसे स्टेबल होने में कम से कम 1 से 2 वीक लग जाएंगे। तो ये न्यू वेबसाइट का ये मसला होता है, मतलब हमारी असल वेबसाइट का जो मसला मेन है वो ये कि हमारे आर्टिकल थोड़े हैं। मतलब एक आर्टिकल पे अगर आप फोकस रख के तो उस पर मेहनत करें तो सैंडबॉक्स से निकलना लगभग नामुमकिन है। तो जब तक हमारे आर्टिकल कोई 10 के लगभग नहीं हो जाते तब तक जो है स्टेबल होने के लिए हमें फिर 2-3 माह इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि इस माह निकल जाए तो फिर हमें कम से कम 10 आर्टिकल चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टेक्निक्स जो KGR, टाइमरॉइड और लो कंपटीशन तो हमने कवर कर लिया, और पीछे रह गई हमारी 3 लॉन्ग टेल, KGR और टाइमरॉइड। इन तीनों पे भी हम एक एक आर्टिकल लिखवाएंगे और इस तरह हमारे टोटल 4 आर्टिकल हो जाएंगे। तो 4 आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करना काफ़ी आसान होगा। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह जब कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी ऑर्गेनिक रैंकिंग की तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़। एक और चीज़, हमें 5 क्लिक्स मिली हैं और अभी तक ये प्रॉपरली अपडेट नहीं हुआ, तो हो सकता है कि शायद एक आधा ऑर्डर भी आ जाए, लेकिन सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थोड़ा है कीवर्ड्स का, इसकी वजह से वो काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल है ऑर्डर आना। लेकिन फिर भी उम्मीद रखी जा सकती है। अल्लाह हाफिज़।